सर लास्ट आपका ट्विटर क्लास में तो हम लोग का वो HTML चला था। ठीक है, चलो वही स्टार्ट करते हैं अभी। तो हमने और आपने क्या देखा था कि अगर हम लोग को कोई HTML का प्रोग्राम बनाना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, HTML और अगर चलो सर ले आते हो। सर आर्यन कह रहा है उसका माइक ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, अब करके देखें। आर्यन अब चेक करो, आर्यन अब आर्यन चेक करो बेटा, इज इट वर्किंग, काम कर रहा माइक आपका? चलो कोई बात नहीं, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। सुनाई तो दे रहा होगा ना तुमको। देखो अच्छा, लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा था कि हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, किस नाम की फाइल थी वो, याद है आप लोग को? यस सर, HTML। की कौन सी फाइल थी? अच्छा आज एक काम करिए, आप लोगों ने तो देखा था ना, हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा पहले आप हमको प्रोग्राम बना दीजिए HTML पे, आप लोग बताते जाइए, हम फटाफट टाइप करते जाएंगे। ठीक है, क्या करना रहता है सबसे पहले, अगर हमको क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट टाइप बनाना है तो या तो हम यहाँ पे क्या कर लेते थे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप लिख दें और HTML लिख दें, ऐसा करते थे। पिछली बार हम लोगों ने नहीं किया था, अगर चाहें तो कर सकते हैं, ये एकदम रिक्वायर्ड नहीं होता। यहाँ से DOC फिर क्या कर दें, हेलो, चीजें आप लोग अपने उसमें लिखते जाएगा। ठीक है, सुन रहे यस बेटा, सर, सब लोग इसको अपनी यस कॉपी में सर, लिखते जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, अब HTML ओपन करते थे। ठीक है, स्विफ्ट यस HTML पर, लेकिन बताइए टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या दिया था, हेड दिया था। क्यों हेड दिया था, और हमने क्या बताया था कि जो भी हम हेडिंग में देते हैं वो सारी चीजें, सॉरी जैसे कोई आपकी वेबसाइट होती है, जैसे देखो हम एक चीज दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, सर मेरे पास स्क्रीनशॉट है। यस है स्क्रीनशॉट है। देखो सर, तो ये हमने दे दिया डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हम लोग फाइल बनाने जा रहे हैं, HTML लिखा, हेड लिखा, जो चीज हेड में देनी रहती है उसको क्या करते हैं, हेड लिखने के बाद तुरंत लिख देते हैं हम लोगों ने, चलिए यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, क्या लिखा है हम लोगों ने उसमें, टच सर हेड के टाइटल लिख के सर डिवाइन हेड स्कूल। हेलो, हाँ, हेड के बाद क्या आता है, टाइटल ना। यस सर, टाइटल स्पेस स्कूल, फिर क्या करेंगे, टाइटल बंद कर देंगे, क्योंकि सिर्फ इतना ही हमको टाइटल देना है, और जो भी हमको अपना टैग बंद करना पड़ता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और इसको सर क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, ये तो हो गया हेड में, फिर अब देखो जो अब अपने अपने वेब पेज पे जो चीज लिखना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी लिखते हैं ना। सर ठीक, अब बॉडी में क्या लिखना है, सर बॉडी में हेलो क्या क्या लिखे, चलो बताओ। कुछ भी ले लीजिए। ठीक,
जितना चीज आपको यस बॉडी में चाहिए उतना हम लिखेंगे और उसको फिर बॉडी क्लोज कर देंगे, ठीक। यस सर। ये हम लोगों ने ये देखो अयास खान, चलो बॉडी क्लोज कर दिया। नेक्स्ट क्या है, आगे क्या करना पड़ेगा हमको? अगर हमको सिर्फ इतनी चीज देनी है और कुछ भी नहीं देना, अब हम क्या करें? हेड भी बंद कर दें और टाइटल भी बंद कर दें, अरे सॉरी एचटीएमएल बंद कर देते। चलो देखते हैं, एक और अच्छा तरीका होता है। आप क्या करेंगे, कोई चीज अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप क्या करिए, और इसको हम लोग फिर सेव कैसे करते थे, यहाँ से जाते थे फाइल सेव, अपनी फाइल का नाम देते थे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दिया test1.html और यहाँ से क्या कर देंगे सेव, इसको कर देंगे क्रॉस, इसको क्या करेंगे डबल क्लिक करेंगे। देखिए ये आपका खुल के आ गया। अब आपको देखना है कि जो आपकी फाइल है आपने क्या दिया था, टाइटल में क्या दिया था बेटा? टाइटल में हाँ डिवाइन हार्ट स्कूल दिया था ना। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ये आपका टाइटल होता है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया भी था कि आपका जो टाइटल होता है। और दूसरी एक चीज और देखो, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी देखो वेबसाइट खुली हुई है, डिवाइन हार्ट स्कूल की वेबसाइट खुली हुई है, ये क्या होता है, ये आपका यू आर एल होता है। ये क्या होता है, यू आर एल होता है। देखो हम कहाँ गए, dhsld.in पे गए, फिर एडमिन पे गए, फिर स्टूडेंट अटेंडेंस पे गए, फिर यहाँ से इंडेक्स दिया हुआ है, यहाँ से इंडेक्स ओपन होता है, ठीक है। फिर उसी तरह से ये देखिए आपका यूट्यूब चैनल है, तो ये यूट्यूब चैनल का पूरा लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो हम लोग जस्ट वीडियो पे। उसी तरह से ये जो आपकी फाइल है, वी आर स्टडिंग वर्किंग ऑन एचटीएमएल 5, ये दिया हुआ है ना, तो इस फाइल की जो लोकेशन होगी आपके कंप्यूटर में वो ये दिखा रहे हैं। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि जो भी आपकी फाइल होती है अगर वो डेस्कटॉप पे रखी हुई है तो वो कहाँ मानी जाती है, सी में मानी जाती है, किसमें, लोकल डिस्क सी में होती है, ठीक है। देखो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले हमको लोकल डिस्क सी में जाना है, फिर यूजर, फिर डीएचएस, उसके बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे, फिर वहां पे क्या है टेस्ट नाम की एक फाइल रखी हुई है, ठीक है। और वन को ये क्या कर रहा है, परसेंट सिंबल में दिखा रहा है, ठीक है। यस सर, जो स्पेस है उसको ये परसेंट जी टू और जीरो, फिर आगे देखो वन दिखा रहा है, डॉट एचटीएमएल, ये फाइल का नाम जो था वो यहाँ पे आपको पूरा दिखा रहा है, ठीक। ये इसका क्या होता है, इसको हम लोग पाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाथ या यू आर एल बोलते हैं, कि कौन सी फाइल कहाँ पर रखी हुई है वो यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। देखो फिर हम लोगों ने एक चीज देखा था कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके क्या होते हैं, स्टाइल्स होते थे, आपका इंटरनल स्टाइल होता था, इनलाइन स्टाइल होता था, और एक आपका क्या होता था, एक्सटर्नल स्टाइल होता था, ठीक है। आपको जो पढ़ना है वो इनलाइन स्टाइल के बारे, सॉरी इंटरनल स्टाइल के बारे में पढ़ना है। अब इसको हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है, इनलाइन स्टाइल, ठीक। देखो पेज नंबर 70 पे आ जाइए अपने अपनी बुक में, ठीक है, पेज नंबर 70 पे आ जाते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं इसको हम लोग, देखो फटाफट से हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, इनलाइन स्टाइल मीन्स क्या होता है, ये आपकी ऐसी स्टाइल होती है जिसको हम लोग किसी टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्या होता है, जो जब भी आप क्या करते हैं एचटीएमएल का प्रोग्राम लिखते हैं तो जो भी आपको उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह लगानी होती है, अप्लाई करनी होती है, वो आप क्या करते हैं सेम उसी लाइन में उसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने क्या किया, देखिए आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि हमको क्या करना है, देखो हमने ये चीज यहाँ पे लिख लिया आपके लिए ताकि आपका टाइम ज्यादा फिल ना हो, ठीक है। तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, जो पहले से प्रोग्राम, जैसे टेस्ट वन वाला आपको प्रोग्राम चेंज करके देखना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे क्या, ओपन विथ लेंगे, और किसमें एडिट होता है, ये नोटपैड में एडिट होता है, तो यहाँ से नोटपैड पे क्लिक कर देंगे। देखो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका लिख करके यहाँ पे आ गया ना। यस सर। अब बॉडी में, अब जैसे मान लो इस पे अगर कोई स्टाइल लगाना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर जा करके यही वाली आपकी फाइल में अगर हमको कोई स्टाइल लगाना हो तो बॉडी से पहले हमको अपनी स्टाइल लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये हम फिर से H1 क्या होता है, हेडिंग 1, H2 लिखते हैं हेडिंग 3, H3 हेडिंग 3, ठीक है, समझ गया ना।
H1 क्या होती है, सबसे बड़ी फॉन्ट साइज होती है, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया H1 स्पेस STYLE, स्टाइल हो गया, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू कौन सा कलर देना है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये जो हम लोग स्टाइल लगा रहे हैं, पहले ये जो हेडिंग हमने H1 कर दी, फिर हमने स्टाइल लग दिया आपके कंप्यूटर में, ठीक है, जो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसमें कलर की आपकी क्या स्पेलिंग होती है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, वो आपकी कलर की स्पेलिंग कौन सी होती है, COLOUR होती है ना। यस सर। मगर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हमेशा कलर की स्पेलिंग COLOR लिखनी है। और अब देखो कलर लिखा हमने, फिर उसके बाद क्या लिखा, ये देखो दो सिंबल होता है, एक ये वाला सिंबल होता है जो अभी हमने टाइप किया ना, इसको बोलते हैं क्या, कोलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोलन बोलते हैं, नींद आ रही क्या तक तुमको। और एक और सिंबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कोलन, ये वाला सेमी कोलन होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब आप कोई स्टाइल लगाना स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या करते हैं वहां पे कोलन लगाते हैं, और जैसे ही वो स्टाइल खत्म करना है तो वहां पे क्या करेंगे, सेमी कोलन लगाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमको कलर देना है ग्रीन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रीन, ग्रीन लिखा। अब कलर का जो आपका स्टाइल था वो हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं, क्या हमको और कोई कलर नहीं लगाना उसमें, यहाँ से हमने क्या कर दिया, कलर वाला जो स्टाइल था वो हमने बंद कर दिया, ठीक। उसके बाद डबल इन्वर्टेड सिंबल भी बंद कर देंगे, और यहाँ से आपका ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। उसके बाद जो टेक्स्ट हमारा था उसी टेक्स्ट को करना था ना, तो इस टेक्स्ट के बाहर जाएंगे, जो भी हमको टाइप करना था वो यहाँ पे टाइप कर दिया। अब क्या करेंगे, अब जो हमने हेडिंग लगाई थी ना, हेडिंग स्टाइल वन लगाया था, उस हेडिंग को भी हमको बंद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे H1 लगा हुआ है ना, ये H1, तो स्टाइल को कभी बंद नहीं करना पड़ता। ये सब पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए अपनी अपनी कॉपी में, जो आपकी कलर की स्पेलिंग होती है वो COLOR होगी, और हमने यहाँ पे कौन सा टैग लगाया है, H1 टैग भी लगाया है, स्टाइल टैग भी लगाया है। स्टाइल को कभी भी क्लोज नहीं करना पड़ता, आप लोग देख रहे थे कि HTML जब हम ओपन करते हैं तो बाद में HTML बंद करना पड़ता है, हेड हमने ओपन किया था तो हेड हमको बंद करना पड़ा, टाइटल हमने ओपन किया था तो यहाँ पे टाइटल हमको बंद करना पड़ा, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बॉडी हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ तो बॉडी भी लास्ट में हम लोग को बंद करना पड़ता है, H1 भी हमको बंद करना पड़ेगा, मगर स्टाइल को बंद नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, H1 को क्लोज करने के लिए यहाँ आपका क्या ले लिए, लेस देन आपका फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ से H1 को क्लोज कर देंगे, ये हो गया। और अब नीचे क्या दिया हुआ है बेटा, बॉडी दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है, HTML दिया हुआ, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद इसको हमने क्रॉस कर दिया, H1 वाली फाइल थी इसी में हमने, देखो यहाँ पर हमने कौन सा कलर दिया था, देखो देख रहे हो, हेलो यस सर, ठीक है। हमने कलर क्या दिया था, ग्रीन दिया था, और हमने हेडिंग स्टाइल कौन सी दी थी, H1 दी थी। तो हमारी साइज क्या हो गई, हमारी टेक्स्ट की साइज बड़ी हो गई। अब जो अगर हम टेक्स्ट की साइज अगर अपने मन से कुछ लगाना चाहते हैं तो उसका भी एक ऑप्शन आता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग हम लोग और आगे लगाएंगे अभी, ठीक है। अब देखो इसी में अगर हम जैसे मान लो, चलो इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, इसको ये वाली देखो, और इसको भी हम बंद कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको एडिट करते हैं फटाफट से जल्दी से। अगर हम यहाँ पे जो आपका H1 था इसकी जगह हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ H2 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या कर दे रहे हैं, H2 कर दे रहे हैं। अब क्या हो जाना चाहिए, साइज और छोटी हो जानी चाहिए, ये देखो छोटा हो गया ना, ठीक। तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग और थोड़ा सा आगे करते हैं। एक स्क्रीनशॉट, दिख रहा है सबको, ठीक हो जाएगा ना। अब देखिए जो आपका पेज नंबर 70 पे एक आपका प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें जो जो चीजें आपकी दी थी वो सब चीजें तो हम लोग यहीं पे यूज कर लिए ना, अलग से इसको करने की जरूरत है क्या, बोलो मैच करा लो। एक चीज देखो इन्होंने ऐड कर दी इसमें,
आपका दिस इज अ पैराग्राफ वाली लाइन, इन्होंने क्या किया पैराग्राफ टैग लगाया। तो जब आप पैराग्राफ टैग लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे अभी हमने क्या किया था, वी आर स्टडिंग वर्किंग ऑन HTML5 ये लिखा हुआ था, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है तो जहां से पैराग्राफ चेंज करना पड़ता है वहां पे फिर से पी टैग लगाना पड़ता है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको सेव करते रहे और जो अभी लिखा हुआ है आपकी बुक में हम सेम टू सेम सिर्फ वही वाला लिख लेते हैं। इसको करते हैं एडिट, ओपन विद नोटपैड। देखो ये वाला सेम हमने आपकी बुक की तरह बना दिया, यहाँ पे H1 स्टाइल कलर रेड दे दिया हमने, दूसरी स्टाइल टर्म द हेडिंग इन रेड कलर कर दिया, और यहाँ से इनका पैराग्राफ भी लगा दिया, इसको सेव कर दिया। इसको भी हम ओपन करके देखते हैं, इस पर डबल क्लिक जैसे ही करेंगे देखो क्या क्या रिटर्न करेगा। देखो आपकी बुक में भी बगल वाली जो इमेज में दिया हुआ है, दिस स्टाइल टर्न द हेडिंग रेड, देखो सेम वही सारी चीजें आ रही है, दिस इज अ पैराग्राफ। जहाँ पे हमने पी टैग लगाया था वहां से आपका पैराग्राफ क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। और हमने यहाँ पे देखो टेक्स्ट जो हमारी फाइल थी उसी के नाम से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने हेड पे सॉरी टाइटल हमने नहीं दिया था, नहीं दिया था ना। यस सर, अगर टाइटल वहां पे मान लो जैसे टच दे देंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे टेक्स्ट लिख के आ रहा है वहां पे क्या लिख के आने लगेगा, इतना समझ में आ गया ना आप लोग को, नहीं समझ में आ रहा बेटा सर ना, बोलो स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग सही है, देखो चेंज हो गया। यस सर, ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब जो आपकी ये प्रॉपर्टीज होती है ना, अभी हम लोगों ने क्या किया था, अब देखो नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या करता है, ये क्या करता है, वेरियस बैकग्राउंड एट्रीब्यूट आपको प्रोवाइड करता है आपके वेब पेज के लिए। जो अभी हमने क्या किया था, जैसे ये वाली फाइल थी हमने क्या किया था, वी आर वर्किंग स्टडिंग ऑन दिस। अब जो इसके पीछे व्हाइट कलर आ रहा है, इसमें अगर हम कोई चेंजेस करना चाहें, कोई इमेज लाना चाहें, तो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में और उनका डिस्क्रिप्शन वैल्यू एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कैसे यूज करेंगे अभी हम लोग एक दो एग्जांपल फटाफट करके देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ बैकग्राउंड का कलर, अगर आपको चूज करना है ये वाला, तो शायद हमने आप लोगों को करके दिखाया भी था, याद आ रहा है, यस सर इसको किए थे ना। नेक्स्ट आपका क्या भी हो, बैकग्राउंड कलर क्या करता है, देखो सारी चीजें इसमें सिंपल एकदम लिखी हुई लैंग्वेज में, पढ़ के एक बार देख लो, जो ना आ रहे हो पूछ लो। यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, अगर आपका कोई एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो हम लोग बैकग्राउंड कलर का यूज करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड साइज ये क्या करेगा, इसके नाम से ही लग रहा है कि बैकग्राउंड के साइज को डिफाइन करेगा। बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज आप लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड इमेज का यूज करते हैं। यूज टू स्पेसिफाई द इमेज टू बी यूज इन बैकग्राउंड ऑफ द एलिमेंट मेंशन, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट एक दे रहा है बैकग्राउंड रिपीट करने का ऑप्शन, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट यानी अगर जैसे आपने कोई इमेज लगाई है, आप चाहते हैं वही इमेज बार बार आती रहे आपके पूरे पेज पे, जितना बड़ा पेज होगा वो सारे पेज पे आती रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट का ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड अटैचमेंट यूज्ड टू डिसाइड वेदर द बैकग्राउंड विल बी स्क्रॉलिंग और फिक्स्ड, यानी आप क्या चाहते हैं कि जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका या तो स्क्रॉल करना क्या होता है, या तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, या तो नीचे से ऊपर की तरफ, या तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और एक आपका पोजिशन दिया हुआ है, पोजिशन में भी आप सेम इसी तरह की चीजें दी हुई, इसको एक बार आप लोग देखो, जैसे आप लोग अलाइनमेंट लगाते थे ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। अगर आपने जैसे क्या किया, देखो हमें इसको बता रहे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, वीडियो ऑन कर, देखो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो वेब पेज है, मान लीजिए इतना बड़ा वेब पेज है, ठीक है, इसके पीछे हमने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा दी है, ठीक है, बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाई है जो कि इमेज क्या है, सिर्फ इतनी ही बड़ी है, ठीक, इतनी बड़ी इमेज है, क्या होगा जब हम इतने बड़े वेब पेज लगाएंगे, क्या होगा, वो इतनी दूर में आएगी, बाकी सब क्या होगा, वाइट स्पेस आपको मिलेगा,
या जो भी अगर आपने कोई बैकग्राउंड कलर चूज किया होगा तो वो तब मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका ये साइज दिया हुआ था आप देखे थे कहाँ चला गया, दूसरे नंबर पे दिया हुआ था आपके बैकग्राउंड का साइज, अगर आपने कोई इमेज लगाई हुई तो इसकी पर्टिकुलर जो भी आप साइज डिसाइड करेंगे क्या हो जाएगा, वो उस साइज में यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आपका जैसे ये बैकग्राउंड रिपीट दिया हुआ है, अब जैसे ये है ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये अगर इतना ही बड़ा था बेटा, अगर हम इसको रिपीट पे लगा देंगे तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो हमने इसको राइट साइड पे रिपीट करने के लिए बोल दिया, अगर ये इतना बड़ा था तो इतनी दूर में क्या करेगा, ये फिर से इतनी दूर में एक और आ जाएगा, ये ठीक, एक कॉपी फिर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट भी आपका क्या करता है, अगर आप इसकी इसके अलावा कोई और इमेज आप सेलेक्ट करके इसमें अटैच करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। पोजीशन, अब आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर जिधर करना चाहते हैं, अभी जैसे ये इमेज हम बता रहे थे ना कि छोटी, आप वो बैकग्राउंड कहाँ लगाना चाहते हैं वो चीज आप डिसाइड कर सकते हैं इससे, ठीक है। देखो इसको हम थोड़ा सा एक इसका हम लोग छोटा सा एक प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं कि कैसे इसका एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे हम लोग, और एग्जाम्पल हम लोग यही ले लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि कोई बैकग्राउंड का वो लिया है, देखो चलो करके देखते हैं फटाफट से। यार इसकी नई फाइल लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक नई फाइल बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एचटीएमएल ले लेते हैं। हमने आपको क्या बताया कि जो आपका एक्सक्लेमेशन और डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल दिया हुआ है उसको आप लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है, ठीक है। एचटीएमएल ले लिया हमने, और क्या दिया हुआ है फटाफट बोलते जाओ जल्दी जल्दी कर दे। फिर आपका क्या दिया हुआ है, बॉडी, बॉडी में ही डायरेक्ट उन्होंने यहीं पे स्टाइल अप्लाई कर दिया है, स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड चला गया, बैकग्राउंड बैक। अब यहां पे आपको अपनी इमेज लाना पड़ेगा, ठीक है, इमेज कोलन URL। अब यहां पे flower.jpg जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमारी जो इमेज होगी बेटा वो हमको लानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक इमेज हम देखते हैं यहाँ पे, शायद हमने एक रखी हुई है, ये रही, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डाउनलोड, यहां से इसका पाथ ले लेते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, कहाँ पे वो बैकग्राउंड सी यूजर DHS डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद वो इमेज कहाँ पे है, इस नाम से है वो भी चीज यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगा करके इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। इसका नाम क्या था, डाउनलोड, डाउन लोड, अच्छा ये आपका अंदर जाएगा, ठीक है। .jpg, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं, अब ये जो हमको बैकग्राउंड बनाना था हमने आपको क्या बताया था, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने कोलन लगाया था ना, ठीक, यहाँ पे हमको स्टार्ट करना था। अब क्या करेंगे, अब इसको हमको क्लोज करना है, तो जैसे ही ये चीज आप बंद करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोलन लगाना पड़ेगा, ठीक, सेमी कोलन, सॉरी सेमी कोलन लगाएंगे, एंटर करते हैं, अभी रिपीट रिपीट कुछ नहीं लगा रहे, ठीक है।
क्या हो गया, इमेज तो नहीं आई, गलत हो रहा है इसका मतलब। काम करते हैं इसको हम लोग, और इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं, तभी देखते हैं सारी चलेगा। सर सब मैं का क्या सर बैकग्राउंड इमेज पहले लिखना पड़ेगा क्या? मतलब क्या करना पड़ेगा? सर बैकग्राउंड इमेज सर सर पहले लिखना पड़ेगा सर, लास्ट में सर साथ हो जाए। बात नहीं करो भाई, ये कह रहा हूँ तुम, तुमको तो मैं हमेशा दिखा देता हूँ, मुझे भी देखना। कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम लोग? मिस हो रहा है? नहीं, चलो देखते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें।
एक काम करते हैं, हम एक दूसरी इमेज ले आते हैं, ठीक है? कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं, उसको हम लोग ले आते हैं, ठीक है? क्लास टू, लग रहा है कोई इसमें गलती हो रही, समझ रहे हो? हाँ, क्या बेटा? नहीं, सेव हो गया है। इसको अभी आज के लिए छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ या तो मैं ही मिस कर रहा हूँ या तो कुछ देखना पड़ेगा मुझे, कोई दूसरी इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है? लोकेशन हम लोगों ने चेंज कर दी, इमेज हम लोगों ने चेंज कर दी, स्पेलिंग को नहीं बदला, स्पेलिंग गलत हो जाएगी अगर तो भी ये नहीं लेगा। ना, इसको होल्ड कर दो, ठीक है? नेक्स्ट टर्न पे इसको कंप्लीट करा देंगे और फिर रिपीट करने वाला में देखो, अभी भी ये इमेज ले नहीं रहा है। बाकी फिर उन्होंने क्या किया, जैसे अभी हम लोगों ने कलर दिया था उस टेक्स्ट का, तो अब नेक्स्ट जब आप अपना प्रोग्रामिंग देखोगे तो उसमें देखो बेटा क्या दे रहा है, बैकग्राउंड का स्टाइल, फिर आपका बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, स्काई ब्लू दिया हुआ है। एक काम करते हैं, उसमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं वो लेता है कि कुछ। बैकग्राउंड स्टाइल हो गया, यहीं से हम लोग हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं कॉपी। कलर ना, एक काम करते हैं ना, हम इसमें कुछ चीजें हैं जो कि मैं चेंज कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे क्या होता है, ठीक है? यस सर। कुछ ना कुछ इसमें है, कोई गलती तो नहीं लग रही हम लोग को इसमें, ठीक है?
आप लोग एक काम करिएगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज वाला भी एक बार देख लीजिएगा, सारी चीजें पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा जो जो चीजें आपको इसमें से अलग लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग को ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि आपका यूनिट 2 में ये चैप्टर आएगा, आपका अभी जो टेस्ट आने वाला है, ठीक है।